सना मकबूल की हिम्मत की दाद देते हुए लोग नजर आ रहे हैं। सना की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है और उस वीडियो को देख करके हर कोई सना को अप्रिशिएट कर रहा है और कह रहा है कि इस बंदी में बहुत ज्यादा दम है क्योंकि उसने अरमान से ये बात पूछनी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अरमान की दो शादियों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, इनफैक्ट दोनों साथ में खुश रहते हैं उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ देखिए सही नहीं, क्योंकि एक हस्बैंड ने अपनी बीवी को धोखा दिया और एक दोस्त ने अपनी दोस्त का विश्वास तोड़ दिया, तो इस चीज़ को कोई भी नॉर्मलाइज नहीं कर सकता है। अब जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं हम देख रहे हैं कि पायल अंदर से दुखी होती है, क्योंकि कोई भी ऐसी औरत नहीं होगी जो कि अपने पति को किसी और के साथ शेयर करे और बहुत ज़्यादा खुश हो। मजबूरी हो सकती है और वही मजबूरी पायल की भी है जो कि वो झेल रही, क्योंकि वो अपने घर से भाग करके आई थी। आप जानते हो कि एक लड़की भाग करके आती है तो सोसाइटी में कैसी कैसी उसके लिए बातें होती हैं, और फिर उसका एक बच्चा भी था। अब वो कहाँ जाएगी, ऑप्शन तो है नहीं उसके पास कि जाए तो कहाँ पर जाए, तो उसने कहीं ना कहीं इस चीज़ को एडजस्ट किया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसने झेला है, उस औरत ने बहुत कुछ झेला है। फिलहाल यहाँ पर सना मकबूल से मैं काफ़ी इम्प्रेस उस वक्त हुई जब वो वीडियो मैंने देखा जिसमें वो कहती है कि इनकेस आप रोल को उल्टा कर दीजिए, पायल किसी आदमी को लेकर के आ जाती तो क्या उस वक्त उस चीज़ को आप मतलब कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज करते, तब आप ओके होते। और यहाँ पर अरमान का मतलब क्या बंदा, खुद वो कांड करा है उसने, उसको वो ओके करना चाहता है, लेकिन अगर वही चीज़ पायल कर देती तो उसके लिए वो चीज़ ओके बिल्कुल भी नहीं है। उसका ये कहना है कि अगर पायल मना कर देती तो वो ना करता, समझ रहे हो आप, पायल मना कर देती तो वो ना करता, ऐसा उनका कहना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, यहाँ पर सना सुल्तान भी बैठी थी, उन्होंने कहा कि पायल ने एक्सेप्ट मतलब ना करती तो मैं नहीं करता। साथ ही अरमान ये कहते हैं कि अगर वो शादी करके किसी को ले आती घर में तो फिर वो अपने घर खुश और मैं अपने घर खुश, यानी कि वो एक्सेप्ट बिल्कुल भी ना करते। ये एक औरत को उठा करके लेकर के आए हैं, उस बंदी ने एक्सेप्ट कर लिया भले उसकी मजबूरी थी, लेकिन यहाँ पर इनकी हिपोक्रेसी देखिए, अगर यही काम पायल ने किया होता तो ये बंदा बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करता। क्या कहना चाहेंगे इस हिपोक्रेसी पर, कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।